ईशा की नमाज तर्क हो गई और एक पहर बाद जब आँख खुली और तहज्जुद की नमाज पढ़ ली, क्या तहज्जुद के लिए ईशा की नमाज पढ़ना वाजिब है? तहज्जुद के लिए सुन्नत यह है कि आदमी सोने के बाद जब उठे वो तहज्जुद की नमाज पढ़ सकता है। अलहम फलहम के तहत उस शख्स को पहले नमाज ईशा अदा करना चाहिए, उसके बाद ईशा के बाद जो सुन्नतें हैं, सुन्नत मौकदा है, वो अदा करना चाहिए, उसके बाद उसे नमाज तहज्जुद अदा करना चाहिए।